हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और सब कैसे हो? दुआ करती हूँ ठीक हो गए। तो मैं आज आपके पास एक वीडियो लेके आई हूँ कि दुनिया में क्या क्या होता है। आपने प्रिया रोहन की वीडियो तो देखी होगी, प्रिया रोहन उनके बीच में क्या क्या नहीं हो रहा बताओ। प्रिया बेचारी क्या क्या सहन नहीं कर रही है। उसके पति उसको क्या कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, उसको धोखा दे रहा है। उससे तो पहले शादी तो कर ली, लव मैरिज भाग के शादी करी थी ना रोहन आपने, भाग के शादी करी थी, लव मैरिज करी, वो ठीक है कर ली, कोई बात नहीं। शादी तो प्रिया को कहीं ना कहीं करनी थी। आप उससे प्यार करते थे तो आपने शादी कर ली, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि शादी का आप मजाक बनाओगे, शादी को निभाओ भी, निभाना सीखना चाहिए आपको। पहली बीवी से प्यार करके उसको छोड़ दिया, एक बच्चा हो गया बेचारा, कितना क्यूट सा बेबी है, मुझे बहुत बहुत क्यूट लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब बेचारी वो प्रिया रोती है और वो छोटे से बच्चे के साथ। बताओ, प्यार का मतलब ये नहीं है तुम शादी करके छोड़ दो किसी को, उसे निभाना भी सीखो। वो बेचारी डेली अकेली टूट गई है बिल्कुल। वो आपने तो दूसरी शादी कर ली है, प्रिया की गलती बता रहे हो आप। प्रिया तो उसी घर में रह रही है, आप क्यों बाहर हो? आप भी उसी घर में रहो। पति पत्नी के बीच किसके बीच झगड़ा नहीं होता, सबके बीच में झगड़ा होता है। लेकिन ये नहीं है कि तुम मुंह छुपा कर भाग जाओ। सब आपकी गलती नजर आ रही है, क्योंकि आप घर से क्यों भागे हो? घर पे रहो अपने, वो घर पे है ना। प्रिया के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और वो मासूम बच्चा, उस बच्चे के लिए मुझे ज्यादा लग रहा है, उसके लिए ज्यादा ममता आ रही है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो छोटा सा बच्चा है, बताओ बड़ा होके क्या कहेगा कि मेरा बाप ऐसा था कि मेरी माँ को छोड़ दिया उसने किसी लड़की के लिए। आपने प्रिया को छोड़ा है ना, वो लड़की भी आपके साथ नहीं देगी, देखना कभी ना कभी वो भी लात मार के जाएगी आपको। प्रिया को अपना लो, बहुत परेशान है वो लड़की। आप दोनों कितने खुश रहते थे बताओ, बहुत खुश रहते थे आप दोनों। लेकिन यही है ना, अब दूसरी की लत लग जाती है तो दूसरी की तरफ खिंचा चला जाता है इंसान। जो तुम दूसरे के लिए कर रहे हो वो अपनी बीवी के लिए करो ना, अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं करते? करो अपनी बीवी के लिए। दूसरी अच्छी है, अपनी बीवी अच्छी नहीं है। रोहन भाई, आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन आप प्रिया को छोड़ के मत जाओ, उसके पास वापस जाओ। आपने पहले भी करा था ऐसे, गलती हो जाती है आपस में, गलती होती है इन दोनों में। लेकिन ये नहीं है उसका मतलब हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो हर समय रोती रहती है, छोटे से बच्चे को लेके काम करती है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चा संभालना, सारा काम करना और बाहर काम करना और बच्चा संभालना बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है, मैं बाद में आपको एक वीडियो बाद में बनाऊंगी। जो भी जिसको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज, लेकिन ऐसे मत करो रोहन, देख के मुझे भी आंसू आ जाते हैं उसको देख के, जितना वो रोती है।